इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक रैन बसेरों का दौरा करने पहुंचे और वहां ठहरे लोगों के हालचाल जाने। उन्होंने मुसाफिरों से पूछा, क्या यहां खाना समय पर मिलता है? चौहान ने कहा कि बीते दिनों हुई घटना काफी शर्मसार करने वाली थी, अब कोई अमानवीय व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। छोटे के अलावा बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। वैसे इस शहर में किसी को भी बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात 11:45 बजे रैन बसेरा पहुंच गए। उन्होंने यहां महिला प्रभारी बबीता चौहान से इतनी रात को रैन बसेरा में रुकने के बारे में पूछा तो बबीता का कहना है कि महिलाएं होने पर कभी कभार मैं व्यवस्था देखती हूं। इसके बाद रजिस्टर देखा जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला का नाम दर्ज था। पुरुष कक्ष में प्रवेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ मुसाफिरों से चर्चा की और पूछा कि क्या यहां रोज रुकते हो। इस पर सीहोर से आए चालक मनोहर ने बताया कि रात में देर होने की वजह से यहां रुका हूं। बाद में गुड़गांव से आए विजय ने कहा कि मैं पहली बार रैन बसेरा में रुका और आपसे मुलाकात हो गई। इस पर हंसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे तुमने दिल से याद किया होगा। फिर उन्होंने पूछा कि यहां समय पर खाना तो मिलता है ना। यात्रियों ने खाने के पैकेट उन्हें दिखाए। मुख्यमंत्री ने कहा, अब कोई अमानवीय व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। छोटे के अलावा बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। रैन बसेरा देखने आया था मैं, यहाँ जो लोग रुके हैं वो संतुष्ट है और सफाई की व्यवस्था भी ठीक है, और जो मुझे यहाँ रुकने वाले साथियों ने बताया भोजन भी इनको अच्छा मिलता है और व्यवस्था की भी लोगों ने प्रशंसा की। कोई भी अमानवीय व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।